तस्वीरें हम आपको मऊ जनपद के आजमगढ़ मोड़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी बैनर है पोस्टर है उसको हटवाने का लगातार काम कर रही है। तो मऊ जनपद के आजमगढ़ मोड़ से यह तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स के लोग मौजूद। बिल्कुल तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि सड़कों पर आज जो है फोर्स ही फोर्स आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में जो है भारी संख्या में पुलिस बल फोर्स के लोग मौजूद हैं, साथ में SDM कोतवाल समेत तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं। आचार संहिता लगते ही सड़कों पर आपको चारों तरफ पुलिस प्रशासन के लोग ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होना है पूरे देश में, जिसको लेकर आचार संहिता लगते ही जो है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। बीजेपी का जो दीवार पर लिखा हुआ था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मौके पर जिला पंचायत कोतवाल समेत तमाम भारी संख्या में फोर्स मौजूद है।
देख पा रहे होंगे कि यूपी 54X 7707 गाड़ी पर जो है बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और जिला प्रशासन के लोग जो है झंडे को अब उतरवा रहे हैं। बोले जी सर, आदर्श आचार संहिता लग गई है, किस तरह कार्यवाही की जा रही है? माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में आज आचार संहिता लागू होते ही हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए रोड पर हैं और क्षेत्र में पूर्ण तरीके से भ्रमण करके जो भी राजनीतिक दलों के स्टिकर पोस्टर वगैरह लगे हैं सब उतारे जा रहे हैं। जो भी आचार संहिता का उल्लंघन किया पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या कुछ कार्रवाइयाँ सब की जा रही हैं, क्या है? आज आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और माननीय निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो भी हमको दिशा निर्देश मिले हैं उसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है और जहां पर भी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर बैनर स्टिकर दिख रहे हैं हम उनको हटा रहे हैं और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी और आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। गाड़ियों पर से भी सर झंडा वगैरह और स्टिकर वगैरह ये निकलवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो भी स्टिकर या झंडा ऐसा राजनीतिक दल का दिखता है तो माननीय आयोग के निर्देशानुसार उनको भी हटवाने का निर्देश है तो वो भी हटवाए जाएंगे। कुछ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं सर? बिल्कुल, यदि सख्ती हम कर रहे हैं और कुछ ऐसा संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा भी लिखवाया जाएगा। थैंक यू।